नमस्कार, मैं वैभव कुलश्रेष्ठ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूं। 2013 के हम इससे पहले तीन लेक्चर में टोटल अभी 75 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आगे के 25 क्वेश्चंस को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। उससे पहले ये हमारे कुछ पेड कोर्सेज हैं जो यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड और उड़ीसा जैसे कई प्रदेशों के पीसीएस की हम तैयारी कराते हैं। उसके साथ साथ एसएससी, रेलवे इत्यादि वन डे एग्जाम्स की भी हम तैयारी कराते हैं। दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल करके इनकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस को। तो भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर को जो लोन दिया जाता है उससे तात्पर्य किसको ऋण देने से है? एग्रीकल्चर को, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को, या वीकर सेक्शन को, या फिर इन सभी को? तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग है क्या। तो प्राइमरी क्षेत्र क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र, ये अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र होता है जो कि प्राथमिक प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उसमें उपयोग किया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वानिकी, मछली पकड़ना, मत्स्यन, खनन करना। तो ये सारे क्षेत्र आते हैं आपके प्राइमरी सेक्टर में। तो आपका ए ऑप्शन में एग्रीकल्चर दिया है तो एग्रीकल्चर उसमें काउंट होता है। फिर आपका है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, इनको भी इसमें काउंट किया जाता है। साथ ही जो वीकर सेक्शन है वो भी हमारे प्राइमरी सेक्टर में ही आते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, उपभोक्ता है? इंजीनियरिंग, पेपर एंड पल्प, टेक्सटाइल, वस्त्र उद्योग और थर्मल पावर। तो भारत में थर्मल पावर उद्योग सर्वाधिक जल का उपयोग करता है, यह आपका राइट आंसर है। पर्यावरण विज्ञान केंद्र का एक रिसर्च हुई, उसके अनुसार कि कुल औद्योगिक जल उपयोग का लगभग 88% जल का जो उपयोग है वो थर्मल पावर प्लांट्स करते हैं। वहीं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगभग ये कितना करती है आपकी, 2.0% के आसपास मान के चलिए, ये आपका हो गया 88%। पेपर एंड पल्प की अगर हम बात करते हैं तो ये भी लगभग 2.26 के आसपास इसमें जल का उपयोग होता है। इंजीनियरिंग क्षेत्र की अगर हम बात करें तो लगभग 5% के आसपास इस जल का उपयोग करता है। तो सबसे ज़्यादा है हमारा थर्मल पावर। अगला क्वेश्चन है, जननांकीय लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसके पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि जनसांख्यिकीय लाभांश या जननांकीय या डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड किसी इकोनॉमी में मानव संसाधन के सकारात्मक और सतत विकास को दर्शाता है। ये जनसंख्या ढांचे में बढ़ती युवा और कार्यशील जनसंख्या जो कि 15 साल से लगभग 64 साल तक उसको काउंट किया जाता है, तथा घटते आश्रितता अर्थात जो वर्किंग पीपल हैं उनके ऊपर आश्रित लोग कितने हैं। तो अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड देखते हैं तो उसमें 15 वर्ष से लेके 64 वर्ष तक के लोगों को काउंट करते हैं, क्योंकि मोस्टली यही लोग वर्किंग होते हैं, बाकी के जो एज ग्रुप्स हैं वो इन पे डिपेंड होते हैं। तो किसी अर्थव्यवस्था या किसी भी देश के लिए क्या ज़्यादा अच्छा होगा कि 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और उनके ऊपर जो आश्रय लोग कर रहे हैं, आश्रित हैं, वो कम से कम हो, तो इससे उस देश की इकोनॉमी बेहतर होगी। तो ऐसी स्थिति में अगर हम जनसंख्या का जो पिरामिड बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, उल्टा पिरामिड बनेगा, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा उसका स्लो जो बेस है, आधार। अर्थात इसमें कम जनसंख्या आधार से ऊपर को बड़ी जनसंख्या की ओर बढ़ते हैं और मानव संसाधन के द्वारा प्राप्त लाभ को, जो देश की या किसी इकोनॉमी को जो लाभ अर्जित हो रहा है वहाँ के ह्यूमन कैपिटल के द्वारा, वो चीज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड या जननांकीय लाभांश कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि जननांकीय लाभांश को हम किस प्रकार से फायदेमंद अपना सकते हैं। मान लीजिए वो जनसंख्या लोग हैं, लोगों के पास स्किल ही नहीं है, वो कोई अच्छा कार्य ही नहीं कर पाएंगे,
तो वो कैसे उसका लाभ उठा सकता है? तो अपना अगर लाभांश अर्जित करना है तो सबसे पहले जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, उनमें स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए। गवर्नमेंट कई सारे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाती है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि भारत सरकार वो कौन कौन से स्किल डेवलपमेंट के कोर्स चला रही है, तो उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कुशलता विकास का प्रोत्साहन यानी प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट, यही वो उपाय है जिसको भारत या किसी भी देश को अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को पाने के लिए करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य और नाट्यकला की एक मुद्रा है जिसे त्रिभंग कहते हैं। प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को ये अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से व्याख्यायित करता है? पहला है, एक पांव मोड़ा जाता है इसमें और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी और ग्रीवा पर वक्र की जाती है। यही इसका सही आंसर है। त्रिभंग मुद्रा उड़ीसा का नृत्य है, ओडिसी नृत्य इससे संबंधित होता है। ये उड़ीसा का एक पारंपरिक नृत्य है। त्रिभंग भारतीय इतिहास में नृत्य और नाट्यकला की एक शारीरिक मुद्रा होती है जिसमें शरीर को तीन स्थान, त्रिभंग का मतलब है तीन जगह से उसको मोड़ा गया है, अर्थात पहला है गला, फिर कमर और तीसरा घुटना। तो इस प्रकार से जहाँ बॉडी में तीन जगह भंग होता है, तीन जगह एंगल बना होता है, यही मुद्रा कहलाती है त्रिभंग। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसा एक अंग्रेजी में अल्फाबेट है एस, तो उसी शेप में वो व्यक्ति जो डांस कर रहा होता है त्रिभंग मुद्रा को इस तरीके से धारण करता है, बनाता है। तो त्रिभंग मुद्रा का बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी होता है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता है। योगियों के लिए ये अज्ञान की तीन ग्रंथियों के भंग करने यानी ज्ञान प्राप्त करने की एक पोजीशन है। अगला क्वेश्चन है एनी बेसेंट के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट है और ये जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं आपको सही कथन का चुनाव करना है। तो पहला है, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए वो उत्तरदायी थी। दूसरा है, थियोसोफिकल सोसाइटी की वो संस्थापिका थी। और तीसरा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो एक बार अध्यक्षा भी रही हैं। तो एनी बेसेंट भारत से काफ़ी लगाव रखती थी और वो एक प्रख्यात समाजसेवी, लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी थी। एनी बेसेंट ने कई मौक़ों पर अन्याय का काफ़ी विरोध किया, इसलिए उनको आयरन लेडी के नाम से भी पुकारा जाता है। इन्होंने भारत को थियोसोफिकल गतिविधियों का केंद्र बनाया। 1907 में थियोसोफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष उनको निर्वाचित किया गया और 1913 से 1919 तक वो भारतीय राजनीतिक जीवन की एक अग्रणी विभूति बनकर रहीं। सितंबर 1916 में उन्होंने होम रूल लीग स्थापित करी और स्वराज्य के आदर्श को उन्होंने फेमस करने का वीणा उठाया, उसका प्रचार प्रसार किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी वो एनी बेसेंट के द्वारा ही की गई थी। तो इसमें आपका पहला कथन सही है और तीसरा कथन सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका एनी बेसेंट नहीं थी, उनका नाम था मैडम ब्लावेट्स की, मैडम ब्लावेट्स की। इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी भारत में। तो इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड। अगला क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित। भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना, क्या ये इससे संबंधित था? या भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना? तीसरा है, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना? और लास्ट है, आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। तो राइट आंसर है आपका यूरोप के लोगों के मामलों के सुनवाई के लिए, यानी कि जो यूरोपियंस हैं उनके ऊपर अगर कोई केस चलता है तो उनकी सुनवाई, पहले ये व्यवस्था थी कि भारतीय न्यायाधीश अयोग्य हैं, उनकी सुनवाई नहीं कर सकते हैं जो यूरोपियंस हैं। उन यूरोपियंस के जो केसेस हैं उनको एक यूरोपियन जज ही सुनवाई करेगा।
तो ये इल्बर्ट विधेयक 1883 ईस्वी में ब्रिटिश राज के दौरान वायसराय रिपिन के द्वारा सुझाया गया एक कानून था, जिसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश मुलाजिमों पर न्यायिक आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इस समय उस समय बेसिकली जो भारतीय थे वो ब्रिटिश अपराधियों से संबंधित मुकदमे नहीं सुन सकते थे, क्योंकि पहले ये अंग्रेजों को सुप्रीम बना दिया था भारतीयों के ऊपर। इस विधेयक का नाम कोर्टनी इल्बर्ट के नाम पर वायसराय की ये जो वायसराय थे इस वक्त रिपन, उनके भारत परिषद के ये कानूनी सलाहकार थे मिस्टर कोर्टनी इल्बर्ट, उन्हीं के नाम पर ये इल्बर्ट विधेयक आया था। कलकत्ता, बंबई, मद्रास, इन सभी नगरों में अंग्रेज अभियुक्तों के भारतीय मजिस्ट्रेटों और जजों के सामने उपस्थित किए जाने से उनको उनका कोई अहित नहीं हुआ था, और भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इल्बर्ट विधेयक के विरोध में एक तीव्र आंदोलन छेड़ दिया था। क्यों छेड़ दिया था? क्योंकि वो उनकी ईगो को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। इल्बर्ट बिल विवाद को व्हाइट म्यूटनी, श्वेत विद्रोह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किन कारणों से हो सकती है? पहले तो एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई काफ़ी बढ़ जाए। दूसरा है अ डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, जो उत्पादन का समग्र स्तर है उसमें गिरावट आ जाए। और तीसरा है इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड, जो मांग है, डिमांड है वो बढ़ जाए तेजी से। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर हम देखते हैं द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, यानी ये कि मनी सप्लाई बढ़ जा रही है। अगर मान लीजिए सबके हाथ में पैसा आ जाएगा तो लोग उसको खर्च करने की टेंडेंसी लोगों में होती है, जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतनी ही नई चीज़ों को लेने जाएंगे। धीरे धीरे मान लीजिए सबके पास पैसा है, वस्तुओं की संख्या कम है, तो जब ज़्यादा लोग जाएंगे लेने के लिए तो अब वो किसको दे, तो धीरे धीरे वो जो प्राइस है वो उसका प्राइस टैग बढ़ जाएगा। इसके कारण भी इन्फ्लेशन होगी, कीमत स्तर में बढ़ोतरी होगी। तो पहला आपका सही है। दूसरा है अगर उत्पादन में गिरावट आ जाए, मान लीजिए पहले सिर्फ 100 यूनिट बनती थी, मार्केट में उसे खरीदने वाले 1000 हैं, अब 100 यूनिट से उत्पादन घट के 50 यूनिट पे आ जाए, अभी भी 1000 लोग उसको खरीदना चाहते हैं, तो उसके कारण भी उन 50 यूनिट जो बनी हुई हैं उनके दाम भी बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आपका सेकेंड भी सही है। तीसरा है अगर डिमांड बढ़ जाए, मान लीजिए कोई उत्पाद बहुत फेमस हो जाए कि अभी वो उसको लेना ही लेना है, फेमस एक ब्रांड बन गया, उसको परचेज करना है, तो उसकी जब डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके प्राइस टैग भी बढ़ा देते हैं दुकानदार। तो ये तीनों ही इसमें सही हैं, तो आपका सही आंसर होगा डी। अगला है भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसमें कौन सा मद समूह इसमें शामिल है? फॉरेन करेंसी एसेट्स, एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और लोन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। फिर सेकेंड है आपका फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ द आरबीआई एंड एसडीआर, फॉरेन करेंसी एसेट्स लोन्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड एसडीआर, एंड फॉरेन करेंसी एसेट्स गोल्ड होल्डिंग ऑफ द आरबीआई एंड लोन्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है बेसिकली उसमें क्या क्या चीज़ काउंट की जाती है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा का आरक्षित भंडार, वास्तव में केवल विदेशी मुद्रा जमा राशि या फिर जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक तथा मौद्रिक अधिकारियों के पास सुरक्षित जो बॉन्ड हैं उनको काउंट करता है। ये निधियाँ भुगतान संतुलन की महत्वपूर्ण घटक होती हैं, ये अर्थव्यवस्था के बाह्य स्थिति के विश्लेषण में अनिवार्य तत्व होती हैं। भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में विदेशी मुद्रा पर संपत्तियों में गोल्ड आरबीआई के पास कितना है, दूसरा एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स, कमेंट में बताइए एसडीआर क्या होता है, इसमें जो 5 करेंसी के आधार पर एसडीआर की वैल्यू डिफाइन होती है वो कौन कौन सी करेंसीज हैं फॉरेन, उनके नाम बताइए, तो एसडीआर आता है। इसके साथ साथ जो फॉरेन करेंसी एसेट्स है उसको इसमें काउंट किया जाता है।
तो आपका जो आंसर होगा वो है आपका बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है, अर्थात मोस्ट इन्फ्लेशनरी इफेक्ट कौन प्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहले रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें घाटे का वित्तीयन, यानी कि जो पब्लिक टू फाइनेंस जो बजट डेफिसिट है वो भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक अनिवार्य चीज होती है, क्योंकि इससे मुद्रा का अतिरिक्त प्रवाह सरकार को मिल जाता है जो कि अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है। भारत में घाटे का जो वित्तीयन परंपरा है 1997 से नए नोटों का प्रचलन आरंभ किया गया, लेकिन इसके तीव्र स्फीतिकारी प्रभाव के कारण इसको बंद कर दिया गया था। तो जो बजट फाइनेंसिंग है, बजट डेफिसिट को समाप्त करने के लिए जनता से जो ऋण लिया जाता है वो चीज़ सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी होती है, इसलिए आपका आंसर होगा बी। अगला है द्रव्य की पूर्ति, यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है, यानी सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम, जो सप्लाई ऑफ मनी है सबके पास जो पहले था वही है, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी, लेकिन मनी की अगर डिमांड बढ़ रही है तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप इसका प्रभाव होगा फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइसेस, जो कीमत स्तर है उसमें गिरावट देखने को हमें मिलेगी। अगर मनी की सप्लाई स्थिर रहती है तो उसकी मांग में वृद्धि हो जाएगी, तो इससे जनता का नकदी के प्रति एक जो अधिकार है, एक रुझान है, वो बढ़ जाएगा, जिससे बैंक ब्याज दर में वृद्धि करके अधिक जमा प्राप्त करेंगे। यदि माना जाए, मान लीजिए कि मार्केट में मनी की जो सप्लाई है वो नॉर्मल जिस रेट से है वही चल रही है, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, तो जितने भी बैंक हैं वो अपने चाहेंगे कि जनता अपना मनी हमारे यहाँ रखे, इसलिए वो उनको जनता को लालच देने के लिए वो हायर इंटरेस्ट रेट पे करेंगे उनके सेविंग अकाउंट्स पे या फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे, और उसके कारण जनता भी फिक्स्ड डिपॉजिट करेगी, अपने सेविंग अकाउंट्स में वो जमा करेगी, तो होगा क्या कि शॉर्टेज ऑफ मनी हमें मार्केट में देखने को मिलेगा, इससे जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का जो प्राइस है वो धीरे धीरे घटने लगेगा, क्योंकि जनता के हाथ में जो मुद्रा की तरलता है वो घट जाएगी, तो लोग कम चीज़ें खरीदने के लिए आएंगे, तो जब लोग कम खरीदने जाएंगे तो उसका प्राइस टैग भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, इसलिए आपका ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है शीत कोष्ठ, जो हमारा कोल्ड चैम्बर्स होते हैं उसमें भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं उसमें आ पाती, या फिर पर्यावरण में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाती है, या रेट ऑफ रेस्पिरेशन उन फ्रूट्स की वो घटा दी जाती है, या फिर उनकी ह्यूमिडिटी बढ़ा दी जाती है, तो सही चीज़ क्या है, सही आपको इसमें बताना है कारण। जब भी हम कोल्ड स्टोर या फ्रिज में भी अपने यहाँ जो फ्रूट्स रखते हैं या सब्जियाँ रखेंगे तो उसके कारण होता क्या है, कमरे के कम टेम्परेचर पे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स उन वो ज़्यादा देर तक फ्रेश रहती हैं, क्योंकि जो उनकी ब्रीदिंग रेट होती है, रेस्पिरेशन रेट है, वो काफ़ी कम हो जाती है, तो इसलिए आपका आंसर होगा सी। अगला है, निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए और इसमें कौन सा इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसके बारे में आपको बताना है। घड़ियाल, लेदरबैक टर्टल, तीसरा है स्वैम्प डियर। तो जो घड़ियाल होता है, घड़ियाल देखने में तो मगरमच्छ जैसा होता है, बस इसका जो मुंह होता है, मगरमच्छ का जो मुंह होता है ऊपर से अगर देखेंगे तो वो काफ़ी चौड़ा होता है, जबकि घड़ियाल का जो मुँह है वो काफ़ी पतला होता है, उसकी जो आगे की थूथन होती है, तो ये इस प्रकार का घड़ियाल होता है। ये बेसिकली हमारे साउथ एशिया, मूलतः भारत में ही हमें मोस्टली देखने को मिलते हैं, तो ये इंडेंजर्ड हैं और मोस्टली ये चंबल नदी, घाघरा, गंडक, सोन के नदियों में मिलते हैं। सेकंड है आपका लेदरबैक टर्टल, ये भी आपका जो सरीसृप प्राणी होते हैं, रेप्टाइल्स, उसमें आते हैं और ये भी आपके इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। स्वैम्प डियर की अगर हम बात करते हैं तो ये बारहसंगा की प्रजाति है जो कि उत्तरी और मध्य भारत में
और इसके साथ साथ नेपाल में पाए जाते हैं और ये भी आपकी इंडेंजर्ड है। तो आपके ये तीनों ही इसमें इंडेंजर्ड में आएंगे, तो आपका राइट आंसर होगा सी। अगला है, साइकिल और कारों में बॉल बियरिंग का उपयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि बॉल बियरिंग के प्रयोग के द्वारा जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण जो होता है किसी भी सतह, मान लीजिए एक फर्श है और फर्श के ऊपर ये कोई ईंट या पत्थर रखा हुआ है, अगर आपने इसको इधर मूव कराया तो इसके मूव करने के यानी कि गतिमान होने की डायरेक्शन के ठीक विरोध में इस फर्श और इस वस्तु के बीच में एक फोर्स लगेगा समान उसी बल का, और उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, जिसे फ्रिक्शन यानी कि घर्षण बल कहते हैं। अगर हम इस घर्षण बल को जीरो कर दें या रिड्यूस कर दें तो ये तेजी से आगे मूव कर सकता है। तो साइकिल और कारों में बॉल बियरिंग का उपयोग इसीलिए किया जाता है ताकि ये जो कॉन्टैक्ट एरिया है ये कम हो जाए, प्रभावी क्षेत्र घट जाए। तो आपका राइट आंसर होगा सी। अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए, कौन सा इसमें एक ऑप्टिकल इल्यूजन में काउंट होगा? गोधूली में सूर्य का जो अमाप होता है, साइज ऑफ सन, गोधूली वेला कब होती है? शाम के 5-6 बजे के आसपास। सेकंड है, उषा काल में सूर्य का जो रंग दिखाई देता है। तीसरा है, उषा काल में चंद्रमा का दिखना। चौथा है, आकाश में तारों का टिमटिमाना। और पांचवा है, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। तो ऑप्टिकल इल्यूजन यानी कि दृष्टि भ्रम क्या होता है? दृष्टि भ्रम का मतलब है कि वो जो हमें दिखाई दे रहा है वो वास्तव में वैसा नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोधूली वेला में जो सूर्य का हमें साइज दिखाई देता है, बड़ा हो जाता है, वास्तव में वो ऐसा नहीं होता है। मीडियम हमारे दोनों चेंज हो रहे होते हैं और जो सन रेज होती हैं उनका अर्थ के एटमॉस्फेयर में यानी कि हम जहां पर उपस्थित हैं, अगर हम यहां पर उपस्थित हैं और सूर्य अस्त हो रहा है तो इस वक्त वो इधर से दिखाई देगा, तो उसका जो एंगल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण हमें डिफरेंस दिखाई देता है, तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन में काउंट होगा। सेकंड है आपका, उषा काल में जो सूर्य का रंग है ये भी इसी कारण से है। आपने सुना होगा सूर्य के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, विबग्योर जिसके कहते हैं। तो हमें नारंगी कलर का एक आभा दिखाई देती है तो उषा काल में यानी कि सूर्य जब उदय हो रहा होता है उस वक्त भी यही सिचुएशन होती है कि जो सूर्य का जो एंगल है हमारे से वो काफ़ी कम होता है, बहुत ही न्यूनतम डिग्री पे होता है, लगभग 5 या 10 डिग्री पे जहाँ पर हम उपस्थित हों, और वहाँ पर जब वो सूर्य की रेज हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती हैं तो ये धीरे धीरे, चूँकि यहाँ पर डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, ये रेज स्लाइटली शिफ्ट होने लगेगी हमारी तरफ, तो इस कारण से जो सूर्य का प्रकाश है वो भी किस उसमें आ जाएगा, थोड़ा सा विबग्योर जो होता है, विबग्योर में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसमें रेड कलर का जो शिफ्ट होता है वो हमको दिखाई देने लगता है, इसलिए हल्का सा हमको नारंगी कलर का ये दिखाई देने लगता है उषा काल में, तो ये भी आपका इसमें राइट आंसर होगा। फिर आप आते हैं हम चंद्रमा, सुबह के वक्त में हमें चंद्रमा दिखाई देता है, तो चंद्रमा हमें क्यों दिखाई देता है? उसका एक सिंपल सा कॉज है कि हमारी ये पृथ्वी है और यहाँ पर ये मून है और इस जगह है सन, तो सन की कुछ रेज यहाँ पे पड़ती हैं और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जब हमारे यहाँ पे पृथ्वी पे आती हैं तो हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, चंद्रमा को देख सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, तो सुबह के वक्त या शाम के वक्त या रात में हम देखते हैं तो वो एक्चुअल में वही दिखाई दे रहा होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ सन, तो ये हमारे ऑप्टिकल इल्यूजन में नहीं आता है। फिर है आकाश में तारों का टिमटिमाना, जो स्टार्स हैं उनका अपना प्रकाश होता है, वो ब्लिंक नहीं करते हैं। तारे टिमटिमाते क्यों हैं? क्योंकि जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फियर है उसमें उसका जो उसमें उपस्थित गैसेस की जो डेंसिटी है वो अलग अलग स्तर पे अलग अलग है, इस कारण से जो तारों का प्रकाश है हमारे तक आता है वो कॉन्स्टेंटली नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसका काफ़ी वक्त वायु जब बहती है तो उस जगह की डेंसिटी बढ़ जाती है,
उसके कारण जो रेज हैं वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होती है और इस कारण से हमें ऐसा लगता है कि जैसे तारे टिमटिमा रहे हों, तो ये भी आपका ऑप्टिकल इल्यूजन में आएगा, दृष्टि भ्रम में आएगा। और आकाश में ध्रुव तारे का दिखना, ध्रुव तारा सदैव एक दिशा में स्थिर रहता है जो कि हमें किस डायरेक्शन को बताता है, नॉर्थ डायरेक्शन को, तो हमेशा उत्तर में ही ध्रुव तारा चमकेगा, तो उसकी अवस्थिति सेम है, वो जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, तो उस कारण से ये भी ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है। तो राइट आंसर आपका होगा 1, 2 एंड 4, सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्न में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार होती हैं, डिस्पर्जन, परिक्षेपण, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, इंटरनल रिफ्रैक्शन, आंतरिक परावर्तन। तो सबसे पहले ये मान लीजिए एक पानी की बूंद है और इधर से सनरेज इस पर पड़ रही हैं, यह है सूर्य की किरण। तो जब सूर्य की किरण, इधर है हमारी एयर और इधर है हमारा ये लिक्विड वाटर है, तो इसका चूंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, इस कारण से ये थोड़ा सा शिफ्ट होगी इस साइड में। तो ये जो सबसे पहले इसके चलने के पथ में जो डिफ्लेक्शन आया है, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब जब यहाँ पर ये पहुँचेगा तो उसके बाद यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि परावर्तन की घटना यहाँ पर घटित होगी, तो यहाँ पर आपका आंतरिक परावर्तन हो रहा है। उसके बाद दोबारा लिक्विड से ये एयर में वापस लौटेगी, तो ये दोबारा से इस तरीके के निकल जाएगी और ये आगे चली जाएगी। तो ये दोनों घटनाएं तो इसमें हो रही हैं, रिफ्रैक्शन हो रहा है और इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, इन दोनों पॉइंट पर आपका रिफ्रैक्शन है, इस पॉइंट पर आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन है, परावर्तन है। अब बात करते हैं हम डिस्पर्जन की, तो किसी भी प्रिज्म से या किसी भी जल की बूंद से जब सन रे गुजरती है तो वो अपने सातों रंगों में विभाजित हो जाती है, यानी कि विबग्योर आपको इससे पहले ही बता चुके हैं। तो ये चीज़ होती है डिस्पर्जन। तो जब हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है तो उसमें हमें ये सातों रंग भी दिखाई देते हैं, इस कारण से हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। अगला है, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि जब हम उन पौधों को ट्रांसप्लांट करते हैं, अर्थात एक जगह से हम दूसरी जगह उनको शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो उनके जो जड़ों के मूल रोम होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो इस कारण से हमारे वो पौधे बढ़ नहीं पाते हैं और कुछ समय के बाद वो नष्ट हो जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा सी। अगला है, कोई देश है, एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी अगर विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है तब, या एक्स में जनसंख्या वृद्धि होती है तब, या कहीं पूंजी निर्माण हो रहा है उस देश में तो, या फिर विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या चीज़ अनिवार्य है, इसे हम जानेंगे। पूंजी निर्माण, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके लिए ये अनिवार्य और आधारभूत शर्त है कि आर्थिक समृद्धि चाहने वाले देश में वहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन हो, पूंजी निर्माण अवश्य हो। जितनी अधिक पूंजी निर्माण की दर होगी उस देश की जो आर्थिक समृद्धि की दर है वो भी उतनी ही ज़्यादा होने की संभावना होगी। जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होने से किसी देश में वहाँ पर समृद्धि होगी ये आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हो जाए लेकिन वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ उस दिशा में ना हो, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ ही केवल हो पाए, तो इसलिए पहला कारण इसमें नहीं है। सेकेंड है जनसंख्या वृद्धि, अगर जनसंख्या के पास स्किल नहीं है, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में जिसमें हम जननांकीय लाभांश की बात कर रहे थे, तो जनसंख्या वृद्धि हो जाए और वो सब की सब घोंचू हों और वो कुछ करना नहीं जानते हों, तो इसका मतलब वो आर्थिक समृद्धि हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, तो वो भी आवश्यक नहीं है। लास्ट है विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ जाए, केवल व्यापार की मात्रा, ट्रेड बढ़ जाने से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी, ये भी आवश्यक नहीं है। कैपिटल फॉर्मेशन होने से ये चीज़ निश्चित है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी।
अब कैपिटल कितने प्रकार की हो सकती है? कैपिटल ह्यूमन कैपिटल भी होती है। ह्यूमन अर्थात हमारी जो जनसंख्या है वो कैपिटल कब होगी? जब उसके अंदर स्किल होगी, कुछ गुण होंगे। और क्या कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बात कर सकते हैं? कहीं कोई इंस्टीट्यूट बन रहा है, सड़कें बन रही हैं, सड़कों के साथ साथ ब्रिज बन रहे हैं, कहीं फैक्ट्रियां बन रही हैं, वो सभी क्या हैं? ये सब हमारे पूंजी निर्माण हो रहा है हमारे देश का। तो इससे देश की जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करेगी। तो इसलिए राइट आंसर आपका सी होगा। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से कौन से सही है? विषाणु अर्थात वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं। दूसरा है, विषाणुओं को, वायरसेस को किसी भी संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। तीसरा है, विषाणुओं का एक जीव से दूसरे जीव में संचरण केवल जैविकीय संवाहकों द्वारा ही किया जाता है। आपको इसमें से सही उत्तर छांटना है। तो जो वायरस हैं वो अतिसूक्ष्म परजीवी, अकोशिकीय और विशेष न्यूक्लियों से युक्त एक प्रोटीन कण जैसे होते हैं, जो किसी जीवित परपोषी के अंदर रहकर प्रजनन करते हैं। इनमें पोषण, श्वसन, वृद्धि, उत्सर्जन, उपापचय, ये सब कुछ नहीं होता है। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक, अगला है कि इनमें ये जो विषाणु होते हैं, इनके रवे को क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति हम बोतलों में भरकर लेबोरेटरी में काफ़ी वर्षों तक सेफ रख सकते हैं। इनके न्यूक्लिक एसिड का द्विघटन होता है, किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। इनमें प्रोटीन संश्लेषण को प्रेरित करके जीव कोशिका द्वारा प्रोटीन का कवच बनाने की क्षमता होती है। विषाणुओं का संक्रमण यानी कि वायरस का जो संक्रमण होता है वो एक जीव से दूसरे जीव में किसी माध्यम के द्वारा हो सकता है, वो केवल जैविकीय संवाहकों द्वारा हो ये आवश्यक नहीं है। वायरस श्वसन के माध्यम से, ब्रीदिंग के माध्यम से, या फिर किसी और सिरिंज के द्वारा, या किसी भी ऐसे माध्यम के द्वारा जा सकता है जो कि एक व्यक्ति के बॉडी से दूसरी बॉडी को टच कराए, उससे भी वायरस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकते हैं। इसलिए आपका थर्ड भी नहीं होगा और सेकंड भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर होगा केवल एक। फिर है आपका, मरुस्थल क्षेत्रों में जलह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्ण रूपांतरित होते हैं? पहला है हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, सेकेंड है लघु पर्ण और पर्णहीनता यानी कि टिनी लीव्स या पत्ते हो ही ना पर्णहीनता, फिर है पर्ण की जगह कांटे, थॉर्न्स इंस्टीड ऑफ लीव्स। तो आपको सही उत्तर छांटना है। तो अगर हम मरुस्थल की वनस्पतियों के बारे में बात करें तो वहाँ की वनस्पतियाँ में क्या क्या आते हैं? कैक्टस, नागफनी जैसे पौधे, नागफनी का अर्थात वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जल की उपलब्धता तो कम है और जो पत्ते हैं वो छोटे होते जाएंगे, साथ में कहीं कहीं पत्ते कांटों का स्वरूप धारण कर लेंगे ताकि जो जल का ह्रास होगा उनके माध्यम से कम हो। तो यहाँ पर तने की जो छाल है वो मोटी होती है, पत्तियाँ या तो होंगी नहीं या होंगी तो बहुत छोटी और चिकनी होंगी, उस पर एक वैक्स की लेयर मिलती है ताकि जो उनके रोम हैं वो बंद रहें। इनकी जड़ें अधिक लंबी होती हैं, गहराई तक जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जल की उपलब्धता नहीं होती तो जल को कोई पौधा प्राप्त करना चाहता है तो कैसे प्राप्त करेगा? अपनी जड़ों को गहराई तक ले जाकर। पत्तियों पर छोटे छोटे कांटे होते हैं जिससे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। वनस्पतियाँ झाड़ियों के रूप में मरुधानों में मिलती हैं, कुछ आर्द्र भागों में छोटी छोटी घास भी मिलती है, परंतु ये घास किसी भी रूप में हमारे लिए यानी कि उस जगह पर रहने वाले पशु या मानव के लिए यूजफुल नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि हमें मरुस्थल की जो वनस्पति हैं उसमें ये तीनों गुण देखने को मिलते हैं। अगला है, प्रकृति के ज्ञात बलों को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से नीचे वाला सही नहीं है। जो ग्रेविटी है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है इन सभी में। बी है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि विद्युत चुंबकत्व तो सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर काम करता है। सी है दुर्बल नाभिकीय बल विघटनाभिकता, यार हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश इजी है यहाँ पर। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कॉजेज रेडियो एक्टिविटी, और लास्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होल्ड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो इसमें आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा सही नहीं है। तो पृथ्वी की सतह के समीप किसी पिंड के या कोई भी वस्तु है उसके इकाई द्रव्यमान पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का गुरुत्व कहलाता है, ग्रेविटेशन कहलाता है। इसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसा आपका यहाँ है ये स्मॉल जी, ये होता है हमारा अर्थ का ग्रेविटेशन। अगर ग्रेविटेशन फोर्स की बात करेंगे तो कैपिटल जी में दिखाएंगे हम उसको। तो जी का जो वैल्यू है ये पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। नॉर्मली इसका अगर हम वैल्यू देखेंगे तो लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इसकी यूनिट भी। विद्युत चुंबकत्व यानी कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो ये सिर्फ विद्युत आवेशों से संबंधित कणों पर क्रिया करता है। तो ये आपका सही है स्टेटमेंट। सी है जो दुर्बल नाभिकीय बल होती है वो दुर्बलता और विघटनशीलता से प्रभावित होता है, जबकि जो प्रबल नाभिकीय बल है वो परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को धारित किए रखता है, क्योंकि जो कोई भी एटम है उसके जो न्यूक्लियस है उसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे। तो वहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन दोनों को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बांधे रखते हैं। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। जो ये पहला स्टेटमेंट है कि गुरुत्व चारों में सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, यही बात सत्य नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, निकट अतीत में हिग्स बोसोन कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे, इस कण की खोज का क्या महत्व है। तो महत्व को आपको समझना है, यह हमें ये समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संहति यानी कि मास द्रव्यमान क्यों होती है। ये निकट भविष्य में हमें दो बिंदुओं के बीच के भौतिक अंतराल को पार किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पदार्थ स्थानांतरित करने की प्रौद्योगिकी विकसित करने में मदद करेगा। अर्थात एक जगह पे मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, अगले पल में आप चेन्नई पहुंच जाएं बिना यहाँ से वहाँ तक की दूरी शिफ्ट किए। इसका यूज हम इस तरीके से कर सकते हैं क्या। तीसरा, यदि हम नाभिकीय विखंडन के लिए बेहतर ईंधन उत्पन्न करने में मदद करेगा ये जो टेक्नोलॉजी है हिग्स बोसोन कण, तो आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है सही क्या है इसमें। तो हिग्स बोसोन एक बेसिक कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना 1964 में दी गई थी, और इसका जो प्रायोगिक सत्यापन किया गया है ये 14 मार्च 2013 के आसपास किया गया था, इसीलिए 2013 में पूछा भी गया था। हिग्स कण को वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर गॉड पार्टिकल के नाम से भी संबोधित किया गया है। तो आपने काफ़ी सुना होगा गॉड पार्टिकल, ईश्वरीय गुण से युक्त वो कण। तो हिग्स बोसोन को कणों के द्रव्यमान और भार के लिए जिम्मेदार माना गया है। सामान्यतः इसे अंतिम मूल कण माना जाता है। क्वांटम फिजिक्स में मूल कण ऊर्जा के ऐसे अकेले सूक्ष्मतम कण होते हैं जिनका कोई भी विभाजन नहीं कर सकते हम। और हीलियम के प्रोटॉन कणों को लगभग स्पीड ऑफ लाइट से आपस में टकराया गया और उनके परिणाम स्वरूप इस कण की उत्पत्ति को देखा गया। तो बेसिकली इस पार्टिकल को देखने के बाद, इसकी खोज करने के बाद, इसके एविडेंसेस को कलेक्ट करने के बाद हमें यही समझ में आया कि ये किसी भी एटम में एक निश्चित द्रव्यमान क्यों होता है उसकी व्याख्या तो करता है ये। बाकी के जो ये दो और तीसरा आपका इसमें बताया गया है ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ऐसी कोई भी हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कगार पे नहीं है कि हम उसमें ट्रांसपोर्टेशन कर सकें एक जगह से दूसरे स्थान तक बिना कुछ किए अचानक से गायब होके वहाँ पहुँच जाएँ। तो आपका राइट आंसर इसमें होगा ए ऑप्शन, केवल एक। अगला है, माइक्रोजल बायोटेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज्ड इन रिहैबिलिटेटिंग डिग्रेडेड साइट्स बिकॉज माइक्रोजिया
enables the plants to resist drought and increase absorptive area. Second है वो pH value को tolerate कर सके, extreme of pH को tolerate कर सके. तीसरा है resist disease infestation, अर्थात रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता उसमें आ जाती है. तो आपको सही आंसर चुनना है. तो माइक्रोरिजल बायोटेक्नोलॉजी में होता क्या है कि ये किसी पौधे को इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी प्रदान कर देते हैं कि वो असहनीय परिस्थितियों में, जिसमें वो सामान्य दशाओं में जिंदा नहीं रह पाता, सर्वाइव नहीं कर पाता, वहाँ पे भी वो सर्वाइव कर लेता है. वो हाईएस्ट पीएच को भी टॉलरेट कर सकता है और इसके साथ साथ रोगग्रस्तता से भी उसके अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है और सूखे का प्रतिरोध करना, अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है. तो ये तीनों क्वालिटीज़ उसके अंदर इम्प्रूव हो जाती है ड्यू टू माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी. तो आपका राइट आंसर इसमें होगा डी. अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं, अर्थात एनडीसी में, तब 2013 में एनडीसी हुआ करता था, योजना आयोग हुआ करता था, तो उसमें प्रधानमंत्री, अध्यक्ष फाइनेंस कमीशन के, और तीसरा है संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, और चौथा है राज्यों के मंत्रीगण, मुख्यमंत्री. तो आपसे पूछा है इनमें से बताइए कौन एनडीसी के मेंबर होते थे. तो राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर संस्था थी जो संविधान के अलावा बनाई गई थी. इसकी जो स्थापना की गई थी वो 6 अगस्त 1952 में की गई थी. ये संस्था योजना तैयार करने में राज्यों से सहयोग लेने और उनकी राय लेने के लिए बनाई गई थी. तो इसमें अगर राज्यों की सहायता लेना है, उनकी राय जाननी है, तो राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य होंगे ही होंगे. तीसरा, जो इसमें जो अध्यक्ष थे, जो हेड करते थे इस एनडीसी को, वो करते थे प्रधानमंत्री जी. ये बात अलग है कि 2013 में मनमोहन सिंह की जगह इसको हेड सोनिया गांधी जी करती थी, जो कि सिर्फ वो एक पार्टी या यूपीए की हेड थी. तो प्रधानमंत्री इसके हेड होते थे और संघीय मंत्रिमंडल के जो मंत्रीगण होते थे, मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन कैबिनेट, वो इसमें शामिल होते थे. फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन का इसमें कोई रोल नहीं था, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो होगा सेकेंड, 1, 3 और 4. अगला है, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी. तो आपका राइट आंसर होगा डी. किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग उस देश की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कहलाती है. यहां बात की जा रही है नेशनल इनकम की. राष्ट्रीय आय के अंतर्गत विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को इसमें शामिल किया जाता है. 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार राष्ट्रीय आय के जो प्राकलन किए गए, उसमें किसी अवधि विशेष में उत्पन्न वस्तु और सेवाओं की मात्रा को दोहरी बार गिने बिना मापा जाता है, अर्थात एक निश्चित अवधि मापी जाती है. एक वर्ष है, एक आर्थिक वर्ष है, उसके अंदर जो नई वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई हैं उनका जो मौद्रिक मूल्य होगा वही उस देश की राष्ट्रीय आय होगी. तो आपका राइट आंसर हो गया डी. अगला और अंतिम क्वेश्चन है, ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करते हैं, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स, सेकंड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड जिसको बोलते हैं, तीसरा है लैंड डेवलपमेंट बैंक, भूमि विकास बैंक. तो इसमें आपको डायरेक्ट रीच कौन प्रदान कर रहा है, आरआरबी बिल्कुल होती हैं, आरआरबी की ब्रांचेज होती हैं रूरल एरियाज में, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी होती हैं, लेकिन नाबार्ड ये उस वक्त आरबीआई के अंडर एक और संस्था थी जो कि एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि जो ग्रामीण विकास है और एग्रीकल्चर, इसके डेवलपमेंट के लिए लोन कितना दिया जा रहा है, कितना आर्थिक रूप से हम भारत में कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ा सकते हैं, उसको देखती थी ये संस्था. डायरेक्टली ग्रामीण परिवारों को लोन नहीं देती है, तो इसलिए सेकंड इसका आंसर नहीं है. तो फर्स्ट और थर्ड इसमें काउंट होगा. तो आपका राइट आंसर होगा सी.
तो इस प्रकार से हमारा 2013 का ये पेपर समाप्त होता है। धन्यवाद।